हेलो एवरीवन वन ग्रीटिंग ऑफ द रे वेलकम बैक टू द चैनल मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मनी एंड बैंकिंग से है जो है एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि भैया पेपर मनी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात कही जा रही है इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मेटल्स जो मेटल्स हैं पहले के टाइम क्या होते थे जो सिक्के वो बनते थे वो सोने या चांदी के बनते थे ठीक है तो जब सोने और चांदी के जब सिक्के बनते थे एक तो सोने और चांदी की खुद की कीमत होती थी प्लस उसे जब हम सिक्के में कन्वर्ट करते थे सिक्का जब मिंट करते थे तो उसके अलग लेबर चार्जेस लग जाते थे तो जब से पेपर करेंसी आया तो उसका सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ कि भैया ये जो मटेरियल्स है ये जो मेटल्स हम यूज करते हैं कॉइन्स को बनाने के लिए इसका यूज जो है वो कंपेरेटिवली कम हो गया और इसे हम दूसरे चीजों के इस्तेमाल में हम डालने लगे इन्होंने बोला इट बिकम्स पॉसिबल टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ मेटल्स विच कैन बी पुट टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज क्योंकि हमने सिक्के सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के की जगह हमने क्या किया हमने पेपर की करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हमारे सोने और चांदी के सिक्के जो बच गए उसका हमने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कमर्शियल मतलब प्रॉफिट मेकिंग के लिए हमने उसका यूज करना शुरू कर दिया ठीक है अगला पॉइंट कह रहे हैं कि कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा मेटल्स पे नो मेटल्सिएशन ऑफ मेटल्स कहने का मतलब जब सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे मतलब मेटल्स के जो सिक्के हुआ करते थे तो उन उसमें भी मतलब रोज अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी लगेगा वियर एंड होगा और वजन कम हो जाएगा तो वजन कम होने का मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई तो जब पेपर नोट आया तो भाई ऐसा कोई नुकसान नहीं था तो ये एडवांटेज बन गया तो इन्होंने बोला देर इज नो वियर एंड टीयर ऑफ मेटालिक क्वॉइन्स अंडर अ सिस्टम ऑफ पेपर मनी

थोड़ा बहुत अमाउंट में रखा जाता है रिजर्व में जैसे कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो 200 करोड़ रुपए का है जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है और 85 करोड़ रुपीज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सिर्फ ही 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व रखा गया है इसके ऊपर भी रख सकती है सरकार वो तो भाई गवर्नमेंट का है लेकिन आज के टाइम पे पहले टाइम क्या होता था कि गोल्ड जितना आपने रिजर्व में रखा उतनी की आप करेंसी नोट इशू करोगे आज के टाइम पे जितना आप फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रिजर्व में रखिएगा उसके बराबर का आप अपना करेंसी नोट इशू कर सकते हैं तो आज का टाइम में ये है ठीक है इकोनॉमी की बात करें इन्होंने कहा कि जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर नोट इज लो ठीक है बहुत कम खर्चा आता है क्योंकि भाई दो हजार रुपए का जो नोट बनाने का खर्चा है सरकार का वो अप्रॉक्सीमेटली चार रुपए है तो आप चार रुपए बनाते हो लेकिन दो हजार वैल्यू का आपको करेंसी नोट मिल जाता है तो बहुत सस्ता है पेपर करेंसी बनाना बहुत सस्ता हो गया कंपेरेटिवली मेटल कॉइन्स के इन्होंने कहा कि सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनी एक्सपेंसिव मेटल्स पेपर मनी इज यूजफुल फॉर पुअर कंट्रीज बिकॉज दे के नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ एक्सपेंसिव आप समझ रहे हैं जैसे इंडिया हो गया एक गरीब देश है पाकिस्तान एक गरीब देश है बांग्लादेश एक गरीब देश है नेपाल एक गरीब देश है तो ये लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इतना गोल्ड नहीं था ना अभी है कि सोने के सिक्के प्रिवेल करें आज के टाइम पे तो वैसे भी कहीं पे भी सोने के सिक्के एज अ करेंसी यूज नहीं किया जाता लेकिन पहले भी यही स्थिति थी लेकिन जब हमारा देश अमीर हुआ करता था एक टाइम पे तो सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे गोल्ड के सिक्के हमारे इंडिया में 1936

मकान का मतलब किराए का मकान भी यह शेल्टर वाली बात है कि भाई ये बेसिक नेसेसिटीज भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे तो इस प्रोस्पेक्ट में मैंने बताया कि हमारा देश भी एक ज्यादा रिच डेवलप्ड देश नहीं है एक गरीब ही मुल्क है एक हिसाब से भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन 24 घंटे में एक टाइम का प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रही है तो भाई गरीब हुआ ना एक हिसाब से तो इन्होंने बोला कि जो देश गरीब है पुअर कंट्रीज हैं तो वो मेटल के जो एक्सपेंसिव क्वाइंस है उसे यूज नहीं करते वो क्या करते हैं पेपर करेंसी का यूज करते हैं आइए बात करते हैं इलास्टिसिटी इन मनी सप्लाई अब इन्होंने कहा कि भाई इलास्टिक किसे कहते हैं जिस चीज को हम बढ़ा सके, घटा सके, उसे इलास्टिक कहते हैं तो इलास्टिसिटी इन मनी सप्लाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पेपर मनी होती है उसकी जो सप्लाई होती है उसे हम बढ़ा और घटा सकते हैं समय के हिसाब से अब देखिए हर देश में एक सेंट्रल बैंक है इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इसे अगर इंडिया के अंदर अपनी मनी की सप्लाई बढ़, बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएगा ने क्या किया ढेर सारे नोट्स को प्रिंट कर दिया और इन्होंने क्या किया कि जितने भी शेड्यूल्ड या कमर्शियल बैंक हैं उनको इन्होंने बहुत सस्ते रेट पे बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर क्या कर दिया लोन दे दिया अब जितने भी जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया अब प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई हो गया या एच हो गया ये सारे के सारे बैंक्स को बड़े सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई की तरफ से लोन मिल गया अब इन्होंने भी क्या किया अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए ठीक है दस परसेंट से मान लीजिए सात परसेंट कर दिया तो ये तीन परसेंट का जो जो गिरावट आई इससे लोन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई लोगों ने लोन ले लिया और इस हिसाब से क्या हुआ कि आर के प्रिंटेड नोट्स को हमने इकोनॉमी के अंदर लोन के फॉर्मेट में इंजेक्ट करवा दिया इसको इंजेक्टिंग कहते हैं ठीक है जैसे इंजेक्शन लगता है

वापस अपने पास मंगा लेते हैं ताकि जो प्राइस स्टेबिलिटी रहे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके ये आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में समझेंगे ठीक है आगे उन्होंने कहा कि दिस इज हाउ एवर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ मेटेलिक मनी बिकॉज द एनुअल आउटपुट ऑफ मेटल्स इज लिमिटेड तो भाई अगली चीज ये भी इन्होंने कही है कि ये मेटल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं दीज मेटल्स आर वेरी मच एक्सपेंसिव तो पेपर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है गोल्ड और सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है प्लस इनकी जो क्वांटिटी अवेलेबल है जो आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड नेचर की है तो इस वजह से इलास्टिक नहीं हो पाता इनकी सप्लाई ठीक है आगे कह रहे हैं कि पेपर मनी इज दस मोर इलास्टिक देन मेटालिक मनी जो पेपर मनी है वो मेटालिक मनी के कम्पेरेटिव बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो भी हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं पेपर मनी के वो हम कंपेयर कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन ठीक है सोने और चांदी के सिक्के जो चलते थे उनके जो भी डिसएडवांटेजेस हुआ करते थे उनका एडवांटेज लेकर के आया पेपर मनी जो चीज हम नहीं कर पाते थे गोल्ड और सिल्वर के टाइम कॉइन्स के समय वो सब कुछ कर पा रहे हैं हम पेपर मनी के टाइम ठीक है आखिरी पॉइंट है आखिरी एडवांटेज है कि कन्वीनियंट इन इमरजेंसी अब इमरजेंसी का मतलब क्या आ गया कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया लड़ाई झगड़ा हो रहा है ठीक है अब यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब है आप सभी जानते हैं ऐसा नहीं कि रशिया की स्थिति बहुत अच्छी है वो इतने समय से लड़ाई लड़ रहा है तो उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई तो ये एक देश के लिए किसी भी देश के लिए ये एक इमरजेंसी है जहां पर वॉर की बात होती है तो इन्होंने कहा कि जो पेपर मनी है ना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस के समय और इस समय क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को रिसोर्ट कर लेती है नया प्रिंटिंग प्रेस डाल करके नए नए नोट्स प्रिंट करके वो अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेती है ठीक है एंड इशूइंग नोट विदाउट कीपिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन एट्स रिजर्व बिना गोल्ड और सिल्वर को अपने पास रिजर्व में रखे वो अपना ये इशू ओवरकम कर लेती है दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा और आइडिया लग गया होगा कि भाई एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पेपर मनी के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या हैं पेपर मनी के ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर यग्जामिनेशन गॉड ब्लेस यू ऑल